नमस्कार, न्यूज़ फाउंडेशन देख रहे हैं आप और मैं आपके साथ वंदना। अगर आप व्हाट्सएप यूज़र है तो ये खबर आपके लिए है। जी हाँ, जिस तरीके से व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम और फेसबुक एक कंपनी के द्वारा चलाया जाता है, उसी तरीके से अब व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम और फेसबुक पे एक तरह के फीचर्स भी आने लगे हैं। जी हाँ, नए साल की शुरुआत होने वाली है और नए साल के शुरुआती महीने में व्हाट्सएप यूज़र को व्हाट्सएप एक नया तोहफा देने जा रहा है। जी हाँ, व्हाट्सएप नए नए फीचर्स लॉन्च करते रहता है और इसी क्रम में अब नए साल के शुरुआती दौर में ही व्हाट्सएप कई ऐसे फीचर्स ला सकता है जिसके बाद यूजर्स को ऐसा लगेगा कि वो व्हाट्सएप नहीं बल्कि इंस्टाग्राम और फेसबुक इस्तेमाल कर रहे हैं। तो क्या कुछ नए फीचर्स व्हाट्सएप लॉन्च करने वाला है, आइए हम आपको बताते हैं अपने आगे की रिपोर्ट में। हमें जब भी इंस्टाग्राम रील्स को व्हाट्सएप पर शेयर करना होता है तो वीडियो को डाउनलोड करना पड़ता है और फिर उसे स्टेटस पर लगाने का ऑप्शन मिलता है। हालांकि मेटा अब नए क्लेवर के साथ सामने आ सकती है। बताया जा रहा है कि आने वाले समय में व्हाट्सएप में इंस्टाग्राम रील्स सपोर्ट करेगा। अब नए फीचर्स के बारे में अभी पुष्टि तो नहीं हुई है। तो वहीं अब आप व्हाट्सएप को लॉग आउट भी कर सकते हैं। जी हाँ, अभी तक व्हाट्सएप पर सिर्फ एक डिलीट अकाउंट का ही ऑप्शन होता था, लेकिन अब लॉग आउट का भी ऑप्शन आ सकता है। मिली रिपोर्ट्स के मुताबिक डिलीट अकाउंट का ऑप्शन लॉग आउट में बदल सकता है। अब यूज़र जब चाहे लॉग इन कर सकता है और जब चाहे लॉग आउट। इससे उसे चैट मीडिया फाइल्स को डिलीट करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी और मनमर्जी तरीके से व्हाट्सएप पर ब्रेक ले सकता है, जैसा कि इंस्टाग्राम और फेसबुक में डीएक्टिव का ऑप्शन होता है। उसी तरह अब मल्टी डिवाइस सपोर्ट का भी एक नया फीचर व्हाट्सएप लॉन्च करने जा रहा है। मल्टी डिवाइस सपोर्ट के बारे में अभी ज़्यादातर लोगों को जानकारी नहीं है। अभी यह एंड्रॉयड और iOS यूजर्स के बीटा यूजर्स के लिए ही मौजूद है। अगले साल तक ये फीचर भी सभी के लिए जारी कर दिया जाएगा। ये यूजर्स को एक स्टेबल इंटरनेट कनेक्शन से जुड़े प्राथमिक डिवाइस के बिना अपने व्हाट्सएप अकाउंट में एंट्री करने की परमिशन देगा। तो वहीं व्हाट्सएप पर अभी तक मैसेज को डिलीट करने के लिए टाइम लिमिट दिया गया है, लेकिन अब iOS के साथ साथ एंड्रॉयड यूजर्स के लिए भी हमेशा डिलीट फीचर का ऑप्शन मिलने वाला है। यानी कोई भी टाइम अब लिमिट नहीं होगी, कभी भी आप अपने व्हाट्सएप से मैसेज डिलीट कर सकते हैं। तो वहीं लास्ट सीन को लेकर भी व्हाट्सएप एक नया फीचर लाने जा रहा है, जिसमें व्हाट्सएप पर अभी तक लास्ट सीन को लेकर सिर्फ 3 ऑप्शन ही दिखाई देते थे, जिसमें एवरीवन, नोबडी और माई कॉन्टैक्ट रहता था। मेरी जानकारी के मुताबिक अब एक और ऑप्शन भी आने वाला है, जिसमें स्पेसिफिक लोगों को लास्ट सीन के लिए आप छुपा सकेंगे। यानी अपने कॉन्टैक्ट में जिसे आप लास्ट सीन नहीं दिखाना चाहते हैं उसे ही मार्क कर पाएंगे। तो कुछ इस तरीके के नए फीचर्स व्हाट्सएप जल्द ही लॉन्च करने वाला है, जिससे व्हाट्सएप यूज़र्स को और भी आसानी होगी। यानी कि उनको इंस्टाग्राम और व्हाट्सएप और फेसबुक तीनों एक जैसा लगने वाला है। जी हाँ, आप व्हाट्सएप और इंस्टाग्राम अगर इस्तेमाल करते हैं तो इंस्टाग्राम से आप कोई भी वीडियो बिना डाउनलोड के व्हाट्सएप पर शेयर कर पाएंगे। और भी कई सारे फीचर्स व्हाट्सएप जल्द ही लॉन्च करने वाला है। तो फिलहाल के लिए इतना ही, देखते रहे न्यूज़ फाउंडेशन। धन्यवाद।